मैं रचना चौधरी जट्टाधारी अलीगढ़ मेरा निवास है। मैं मुंबई में रहती हूँ। मेरी शादी 2014 में हुई थी, पर 14 में शादी होने के बाद मेरे यहाँ संतान की प्राप्ति नहीं हुई। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हैं हाथ हिला सकती हैं। अगर बच्चों को लेकर आई हैं तो आप मंच पर ला सकती हैं। अगर दोनों बच्चे आए हैं तो आप लेकर यहां आ सकती हैं, बच्चों को लेकर मंच पर पहुंचे। 2014 में मेरी शादी हुई, कई साल निकल गए गुरुजी। आप जानते हैं कि मुंबई जैसी सिटी में रहती हूं, तो मैंने डॉक्टरों की जांच भी कराई, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, सबका इलाज करवाया, फिर भी मेरे यहाँ संतान की प्राप्ति नहीं। गुरुदेव टेस्ट भी करवाया तो भी संतान का सुख नहीं हुआ। किसी ने कहा वहां जाकर गोद भरवा, वहां जाकर नरियल झेल कर आओ, हमने वो भी करा पर संतान का सुख नहीं हुआ गुरुदेव। तब मेरी मम्मी पापा ने लॉकडाउन में शिव महापुराण की कथा सुनी, और लॉकडाउन में जब शिव महापुराण की कथा सुनी तो मेरी माता ने कहा कि पीपल के पत्ते वाला और सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय करो। जब डॉक्टरों का इलाज कर करके थक गए, सारा इलाज कर कर हम लोग हार गए, तब अपनी माता पिता के कहने पर हमने टीवी पर कथा सुनी, और पहली बार कथा सुनकर हमने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। गुरुदेव हमारा गर्भ नहीं ठहरा। फिर मेरी माँ ने कहा हिम्मत मत हार, शिव जी के मंदिर जा, जल चढ़ा, फिर एक बार वापिस सफेद आंकड़े की जड़ को लेकर तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर शिव जी पर से 21 बार घुमाकर नंदी के पास खड़े होकर शंकर का शिवलिंग देखकर कमर में लाल धागे में जड़ को बांध। मैंने फिर बांधी और बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। बाबा ने मेरी झोली भर दी जिस संतान के लिए मैं तरस रही थी। और आप कहते हो ना गुरु जी, देवता पल्ला झाड़ कर देते हैं और महादेव छप्पर फाड़ कर देते हैं। गुरुदेव मेरे बाबा ने मुझे जुड़वा दो बच्चे दिए हैं, एक बेटा और एक बेटी। मैं बाबा की कृपा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव, शिव कृपा है, बाबा की करुणा उदारता है। महाराज शिव तत्व इसी को कहता है।